Hi friends, welcome to Nutri Shilpa. Hi friends, hope you all are doing well. Well, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक एंड ईजी होम रेमेडी. ये होम रेमेडी आप कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंडियन कल्चर में बहुत सालों से फॉलो की जा रही है. बिकॉज ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है. कोई भी टाइप की खांसी हो, कफ हो, सर्दी हो, यू कैन कॉल इट ब्रोंकाइटिस, उन हर चीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों से लेके बड़ों तक, बड़ों से लेके बूढ़ों तक हर कोई इसे ट्राई कर सकता है और ये उनको बहुत जल्दी राहत देगी. जो ये हर्ब है उसका नाम है अरुलसा. इसको मराठी में अरुलसा कहते हैं, गुजराती में अरडूसी, हिंदी में अडूसा एंड इंग्लिश में मलाबार नट कहते हैं. तो ये अड़ुलसा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है. अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, कफ हो और कंटिन्यूस खांसी हो तो इसे आप दिन में दो बार ये होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत ही क्विक है. कोई हाई फाई काइंड ऑफ फंडा नहीं है कि जिसे बहुत टाइम लगेगा. इट्स वेरी इजी टू मेक इट एंड वेरी इजी टू ट्राई इट. तो देखते हैं आज की ये हमारी ये होम रेमेडी. मैंने यहाँ पे 1 स्पून होममेड अरुसा लीफ पाउडर लिया है. अमेजोन पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप ऑर्गेनिक और अच्छे ब्रांड का अरुसा लीफ पाउडर यूज़ करें. अगर आपके पास फ्रेशली अरुसा लीव्स अवेलेबल है तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखाएं और फिर उसका पाउडर बनाएं. ड्राई पाउडर के फ़ायदे ये है कि आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. आपको कोई उकाला या फिर काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में हो या कहीं पे और भी हो, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो. और 1 स्पून हल्दी. हल्दी अगर आपको पता ना हो तो वापस भी बताना चाहूँगी कि इट्स अ वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन. हल्दी सर्दी खांसी सभी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. और अब हम लेंगे हनी. मैंने यहाँ पे लोकल सोर्स्ड ऑर्गेनिक हनी यूज़ किया है. अमेजोन पे भी बहुत सारे अच्छे ब्रांड अवेलेबल है, तो मेक श्योर हनी मिलावट वाला ना हो, बिकॉज मिलावट वाला हनी कभी भी कुछ फ़ायदेमंद नहीं होता है. तो मेक श्योर आप हनी प्योर यूज़ करें. और हम लेंगे थोड़ा सा वाटर. अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये होममेड कफ सिरप. एक बाउल लेंगे और बाउल में हम 1 स्पून इतना अरुसा लीफ पाउडर ऐड करेंगे और बाद में 1 स्पून इतनी हल्दी. हल्दी आप 1/2 स्पून भी ले सकते हैं, बट अगर आपको कफ के साथ सर्दी है तो आप हल्दी ज़रूर ऐड कीजिए. एंड देन हम ऐड करेंगे 1 स्पून इतनी हनी. हनी कफ एंड कोल्ड के लिए बेस्ट है ही, बट साथ ही साथ अरुसा का जो कड़वापन है वो भी इससे कम हो जाएगा और हम इसको आसानी से ले सकते हैं. तब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी एक अच्छी सी थिक पेस्ट कंसिस्टेंसी बन जाए. ऐसे ये इसकी एक पेस्ट बनने के बाद आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली ले सकते हैं. ये बहुत फ़ायदेमंद है, बट अगर इसको स्वैलो करने में या बच्चों को देने में तकलीफ़ हो रही है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी. पानी ऐड करने की वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो पेस्ट की वो रनी हो जाएगी, लिक्विडी हो जाएगी. तो उससे बच्चों को देने में भी ये आसानी हो जाएगी और स्वैलो करने में भी ये इजी हो जाएगा. तो हमारी ये होम रेमेडी बन चुकी है. बहुत ही इजी, क्विक है, उससे भी ज़्यादा ये बहुत इफ़ेक्टिव है. आपको विद इन 1/2 आवर इसका रिजल्ट दिखाई देगा. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड इजी होम रेमेडी है. अगर घर में किसी को भी कफ, कोल्ड है या फिर ब्रोंकाइटिस है तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए. ये बहुत ही इजी है, इफ़ेक्टिव है. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो. टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.